आदाब, सलाम नमस्कार मेरे भारत के आज को और मेरे भारत के कल को मिट्टी में मिला दे में जुदा हो नहीं सकता अब इससे ज्यादा मैं तेरा हो नहीं सकता मिट्टी में मिला दे मैं जुदा हो नहीं सकता अब इससे ज्यादा मैं तेरा हो नहीं सकता बस तू मेरी आवाज से आवाज मिला दे फिर देख के इस देश में क्या हो नहीं सकता स्टेज पे मौजूद इजत बड़े करात साहब हमारे राहुल भाई जिन्हें मैं छोटे करात साहब कहता हूं हमारे वाइस चांसलर साहब और हमारे यंग एम एल साहब और हमारी दिल्ली की यूनिवर्सिटी से आई हुई यंग नेता और मेरी छोटी बहन जिन्होंने अभी बहुत अच्छे अंदाज से बताया कि हिंदुस्तान में कम उम्र के लोग अगर अब इनकलाब ला सकते हैं तो हम क्यों नहीं ला सकते मैं यहाँ से शुरू करना चाहूँगा मैं मेरी बीवी और मेरे बच्चे ये दुनिया है मगर मैं मेरी मां मेरा बाप मेरा भाई मेरी बहन मेरी बीवी और मेरे बच्चे ये मेरा हिंदुस्तान है अगर इस बात को समझ के आगे चले तो इस मुल्क की प्रॉब्लम भी समझ में आएगी और इस मुल्क में इस प्रॉब्लम का समाधान भी समझ में आएगा अमेरिका की प्रॉब्लम अलग है ब्रिटानिया की प्रॉब्लम अलग है जर्मन की प्रॉब्लम अलग है जापान की प्रॉब्लम अलग है मेरे जवानों मैं तुम्हारी सोच का साथी बनना चाहता हूँ अमेरिका बहुत आगे बढ़ गया है लेकिन अमेरिका में अमरीकीयत खो गई है जर्मन बहुत बढ़ गया है लेकिन जर्मन में जर्मनीत खो गई है लंदन बहुत बढ़ गया है लेकिन इंग्लिस्तान में इंग्लिस्तानियत खो गई है भारत शायद इतना नहीं बढ़ा लेकिन भारत के छह लाख पचास हजार गांव में आज भी हिंदुस्तान जिंदा है जिंदा है और जिंदा है इस मुल्क को बढ़ाने के लिए पॉलिसी लाने वाले दो लोग एक का नाम गांधी और एक का नाम नेहरू गांधी स्पिरिचुअलिज्म से सियासत को सपोर्ट करने वाले नेहरू जिन्होंने अपनी इंडिविजुअल जिंदगी से सियासत को सपोर्ट किया दोनों के फार्मूले में दोनों की पॉलिसी में फर्क रहा गांधी चाहते थे कि गांव को बड़ा बनाया जाए गांव को स्वच्छ बनाया जाए गांव को बहुत अच्छा और बहुत नया बनाया जाए नेहरू चाहते थे शहर को सजाया जाए नेहरू चाहते थे शहर में फैसिलिटी लाई जाए नेहरू चाहते थे शहर को क्रांति का मुख्य द्वार बनाया जाए और कहीं ना कहीं गांव मर गया अगर तुम्हें दोबारा हिंदुस्तान को जिंदा करना है तो तुम्हें गांधी के रास्ते पर चलना होगा गांधी के रास्ते पर चलोगे तो गांव इतना मजबूत हो जाएगा कि गांव के, के आदमी को इलाज कराने के लिए शहर आने की जरूरत नहीं पड़ेगी उसके पास अच्छा अस्पताल खुद गांव में मौजूद होगा गांव को अगर मजबूत बनाओगे तो गांव के किसी बच्चे को शहर में पढ़ने आने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि अगर अच्छा स्कूल अच्छे कॉलेज अच्छी शिक्षा का पूरा का पूरा इंतजाम होगा तो उसके किसी बच्चे को घर से बाहर निकलने की जरूरत नहीं पड़ेगी वो अपने वतन में अच्छी पढ़ाई कर सकता है और अपने वतन को ही पाल पोस के बड़ा कर सकता है अपने वतन की ही खूबसूरती को और सजा सकता है जब हम गांधी की बात करते हैं जब हम हिंदुस्तान की बात करते हैं तो फिर आगे बढ़ के हमें देखना पड़ता है कि सच कहाँ है और झूठ कहाँ है दावे तो सब करते हैं बोलते तो सब हैं अच्छी तकरीरें तो सब करते हैं भाषण तो सब देते हैं जब मैं पढ़ा करता था तब लॉजिक के एक सबक में पढ़ा था कि किसी भी चीज़ को समझने के लिए ये समझना ज़रूरी है कि वो चीज़ है क्या और हर चीज़ के चार वजूद होते हैं अब मुझे लगता है मैं अपने सेंगिस्तान को शायद इस मिसाल से समझा पाऊँ कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ एक बात भी और मेरा दर्द भी देखिए सूरज जब हम लिखते हैं उस> उसको हम अरबी में वजूद कतबी बोलते हैं यानी कागज पे हमने सूरज लिखा सूरज जब हम सोचते हैं तो हम उसको वजूद जहनी बोलते हैं यानी हमने सूरज सोचा सूरज जब हम बोलते हैं तो वह वजूद लिसानी होता है यानी हमने सूरज बोला और क्या सूरज लिखने से उजाला आता है क्या सूरज बोलने से अंधेरा जाता है क्या सूरज सोचने से दिन के बारह बजते हैं यह तीनों वजूद बेकार हैं अगर तुम्हें सच्चे सूरज की तलाश है तो मकान के बाहर निकलो अल्लाह के बनाए हुए आसमान को देखो तुम्हें सच्चा सूरज अपनी किरणों से आंखें बंद करके बताएगा कि कोई सच्चा सूरज दुनिया में है मेरे दोस्तों तुम्हें बस ये बताना चाहता हूं खुद को भारतीय लिखने से कुछ नहीं होता खुद को भारतीय सोचने से कुछ नहीं होता खुद को भारतीय बोलने से कुछ नहीं होता जब तक राजगुरु का या अशफाक का किरदार अपने अंदर ना पैदा कर लो इन बड़े किरदारों को अगर जीने लगोगे यकीनन फिर हिंदुस्तान कल भी सोने की चिड़िया था और हिंदुस्तान आज भी सोने की चिड़िया है अशफाक को अंग्रेज़ों ने सज़ा दे दी अशफाकुल्ल के बाप को अंग्रेज़ों ने कांटेक्ट करने की कोशिश की कि अगर आप माफ़ी मांग ले तो हम अशफाकुल्ल्ला को माफ़ कर दें अंग्रेज़ों को उम्मीद थी कि अदालत के कटघरे में अशफाकल्ला के बाप शायद कोई माफीनामा पेश कर देंगे लेकिन अशफाकुल्ला के बाप ने जो बात कही है, वो इतिहास का हिस्सा बन गई उनके बाबा ने कहा जज साहब मेरे बच्चे के हक़ में जो भी फ़ैसला करना है जल्दी कर लीजिए क्योंकि मुझे बहुत तकलीफ़ हो रही है जज कहता है कि किसी के बाप किसी के बच्चे को मौत की सज़ा देनी जानी हो तो हर बाप को तकलीफ़ होती है हो सकता है आपको भी तकलीफ़ हो रही हो अशफाकुल्ला ने कहा नहीं मुझे मौत की सज़ा से तकलीफ़ नहीं तकलीफ़ इस बात की है कि मेरे ज़्यादा बच्चे नहीं और बड़े मुस्कुरा के एक जुमला कहा मैं चाहता हूँ कि देश के नाम पर मेरे अशफाकुल्ला के सात टुकड़े कर दिए जाएँ ताकि मैं घमंड कर सकूँ मैंने एक अशफाकुल्ला नहीं सात अशफाकुल्ला देश परबान की दोस्तों ये मुल्क अपनी तहजीब से जाना जाता है यह मुल्क अपने प्यार से जाना जाता है और इस मुल्क की प्रॉब्लम में अगर सेकुलर मजमे के सामने धार्मिक इशारे से करना चाहूं तो बस दो जुमले बोलूंगा और मुझे लगता है ये मेरा यंगिस्तान जरूर समझ जाएगा अरब में इमाम अली नाम की एक शख्सियत गुजरी है उनके जमाने खिलाफत में एक वाकया गुजरा वो घर से बाहर निकले देखा एक शख्स खड़ा है वो कहता है मौला पेट में बहुत तकलीफ है आपने पूछा क्या हुआ कहने लगा बहुत भूख लगी है खाना नहीं मिला है आपने उसकी प्रॉब्लम सॉल्व की आगे बढ़ गए फिर एक आदमी मिला उसको भी देखा कि वो परेशान है उससे पूछा भाई तुझे क्या तकलीफ है तो कहा मुझे भी पेट में बहुत दर्द है पूछा भाई तुझे क्या हो गया मैंने खाना बहुत ज्यादा खा लिया है आप आगे बढ़ गए अपने साथी से कहा यही समाज की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है अगर इसने ज्यादा खाया नहीं होता तो उसे भूख से पेट में तकलीफ ना होती अगर इसने ज्यादा खाया नहीं होता तो उसे भूख से ज्यादा तकलीफ नहीं होती अगर हम सब एक दूसरे का हाथ थाम लें अगर हम सब एक दूसरे के बारे में सोचना शुरू कर दें अगर हम सरहदों की सरहदें हटा दें अगर हम रंगों का मिजाज हटा दें अगर हम ये सोच लें तेरे सीने में भी धड़कन होती है मेरे सीने में भी धड़कन होती है आज तेरे कलेजे में भी भारत बसता है मेरे कलेजे में भी हिंदुस्तान बसता है अगर हमारा मिजाज अगर हमारी सोच ऐसी बन जाए तो यकीन जानिए और यकीन रखिए के दुनिया के किसी मुल्क की ताकत नहीं है कि वो तो हमारे मुल्क का मुकाबला कर सके दुनिया के किसी मुल्क में इतनी ताकत नहीं है कि वो तो हमारे मुल्क की तरफ आंखें उठा के देख सके दुनिया के किसी तो मुल्क में ये कुदरत नहीं है कि वो तो हमारे मुल्क का मुकाबला कर सके मैं कहता हूं इन जवानों को मुल्क दे दो 2025 तो बहुत दूर की बात है ये भारत को इकोनॉमिक लीडर की हैसियत से 2020 में खड़ा कर देंगे अब सवाल ये है क्या इस प्रोग्राम को करने के लिए आखिर इतने खर्चे इतना मजमा इतने लोग इतना वक्त इतनी एनर्जी एक ही ऑर्गेनाइजेशन क्यों लगा रहा है पैसा बहुत से लोगों के पास है कॉलेजेस बहुत से लोगों के पास है बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो प्रोग्राम कर सकते हैं और इस बड़े विचार को मंच पर ला सकते हैं तो दोस्तों इसका बस एक जवाब है मैं फिर इस्लामिक इतिहास की तरफ मुड़ के आपको एक वाक़ याद दिलाना चाहता हूँ इब्राहिम को उस वक्त के राजा ने जिसका नाम रमरूद था आग में डलवा दिया दो तो पक्षी आपस में बात करते हैं एक का नाम गिद है और एक का नाम हु है एक परिंदा आता है और वापस चला जाता है और एक परिंदा इब्राहिम की तरफ उड़ने लगता है जो परिंदा वापस होता है वो जाने वाले से पूछता है कहाँ जा रहा है का इब्राहिम को बचाने जा रहा हूँ उसने कहा तेरी चोंच में जो चंद कतरे पानी हैं क्या तुझे लगता है कि इस पानी से तू इब्राहिम को नमरूद की आग से बचा लेगा वो पलट के कहता है मैंने माना कि मेरा पानी ऊपर ही रह जाएगा मैंने माना कि मेरा पानी इब्राहिम को जलने से नहीं बचा पाएगा मगर कल जब इतिहास लिखा जाएगा तो मुझे इब्राहिम के मारने वालों में नहीं बचाने वालों में लिखा जाएगा भारतीय छात्र संसद की स्थापना बड़े कराज साहब और छोटे कराज साहब ने अपनी तमाम से हिंदुस्तान के सारे हीरे जवाहरात को एक जगह जमा करके सिर्फ इसलिए एक मैदान में चिंतन के लिए उतारा है कि कल जब इतिहास लिखा जाए तो मारने वालों में ना लिखा जाए और दोस्तों जरूरी नहीं है कि भारत की खिदमत करने के लिए आपको राजनेता होना चाहिए आपको पॉलिटिशियन होना चाहिए नहीं अगर आप डॉक्टर हैं तो भी आप भारत की खिदमत कर सकते हैं अगर आप इंजीनियर हैं तो भी भारत की खिदमत कर सकते हैं अगर आप मौलवी हैं तो भी भारत की खिदमत कर सकते हैं बस इतना ध्यान रखिएगा माँ का चल मेला ना हो ऐसा कुछ ना हो जाए कि लोग कहें ये फल की औलाद है और फला का बेटा है जब भी काम करें बस ये ध्यान रख के काम करें रोटी तो देने वाला दे देगा अगर हम देश को इज़्ज़त नहीं दे सकते तो देश को जलील करने का भी हक हमारा नहीं है एक आखिरी बात और अपनी तकरीर को यहीं खत्म कर दूंगा मेरे दोस्तों काफी बड़े लोग और काफी मेरे बड़े अच्छे दोस्त यहाँ मौजूद हैं एक बात हमेशा ध्यान रखना जब कोई फूल खिलता है तो ऐसा कहा जाता है कि माली ने बहुत मेहनत की है और उसे खून से सींचा है और फूल कभी किसी एक आदमी की मेहनत से जवान नहीं होता अगर आप माली के पास जाओगे और सच्चा ईमानदार माली है तो वो ये कहेगा ये सिर्फ मेरा काम नहीं था मैंने तो इसे बस दुश्मनों से बचाया है फिर किसने क्या किया है वो पलट के फौरन कहेगा अगर सूरज की रोशनी ना होती तो इसमें बढ़ने की ताकत ना आती जब सूरज के पास जाओगे तो सच्चा सूरज यही कहेगा अगर ठंडी हवा ना चलती तो इसमें जवानी ना आती जब ठंडी हवा के पास जाओगे तो वो यही कहेगा कि जमीन में नमी ना होती और जमीन ने अगर बीज को खुद मर के जिंदा ना किया होता तो ये फूल फूल ना होता सच्चाई के साथ अगर देखो तो देश की उन्नति किसी एक आदमी से नहीं अगर कोई सूरज बन के किरने ना दे अगर कोई हवा बन के नरमी ना दे अगर कोई जमीन बन के उपजने की शक्ति ना दे अगर कोई माली बन के सरहदों की हिफाजत ना करे तो मुल्क डूब जाता है और वही मुल्क बाकी रहता है जिसमें कोई सूरज बन जाता है कोई चांद बन जाता है कोई जमीन बन जाता है और कोई आसमान बन जाता है मैं अपनी आखिरी बात में जहां मुझसे मेरे दोस्तों ने कहा कि ये जवान अपने लीडरशिप से क्या चाहते हैं क्या तुम्हें लगता है कि आज भी ये सोचना पड़ेगा कि हमें पचास साल के बाद आयोग पे आयोग बनने के बाद कमेटी पे कमेटी बनने के बाद रिपोर्ट पे रिपोर्ट बनने के बाद नेताओं से यह पूछना पड़ेगा कि क्या चाहिए अब भाषाएं बदल दो अब कहो हमें रोटी कपड़ा मकान नहीं चाहिए सारे लोग कहते हैं रोटी कपड़ा मकान नहीं हमें अपने लिए रोटी नहीं चाहिए हमें अपने लिए कपड़ा नहीं चाहिए हमें अपने लिए, अपने लिए मकान नहीं चाहिए हमें दुनिया के स्टेज पर भारत की करेंसी इतनी हाई लेवल पे चाहिए कि हम एक रुपया रखें तो कम से कम पचास डॉलर उठा सके ऐसा मुल्क बना दो और क्यों नहीं बना सकते हम बहुत आगे थे चाइना ने हमारा पीछा किया और आगे बढ़ गया तो क्या हम फिर चाइना से आगे नहीं बढ़ सकते यकीनी तौर पे बढ़ सकते हैं कब? जब हमारी नीयत साफ हो यहाँ सब लोग तो बहुत बड़े बड़े होते हैं नीयतें बहुत छोटी छोटी होती हैं अपना मकान अपनी रोटी अपनी गाड़ी अपना मनसब अपनी कुर्सी नहीं बदल दो इन सारे हालात को कहो कदम मेरा होगा पर देश मंजिल तेरी होगी जबान मेरी होगी पर देश भाषा तेरी होगी सर मेरा होगा लेकिन देश सरहद और इज्जत तेरी होगी देश के लिए आगे बढ़ो और जब देश के लिए आगे बढ़ोगे तो यकीन जानो सारी दुनिया तुम्हें बड़े प्यार और बड़े सलीके और बड़े इज्जत से याद करेगी लोग कहते हैं साहब रोटी नहीं है कपड़ा नहीं है मकान नहीं है कब तक मांगते रहेंगे आपको पता है आपके मुल्क में हमारे मुल्क में 80 प्रतिशत लोग ऐसे हैं जो अच्छी गजा नहीं खा पाते आखिर कब तक एक माँ अपने बच्चे को बहलाने के लिए पानी पकाती रहेगी आखिर कब तक एक माँ अपने बच्चे के के इंतजार में कि वो कुछ कमा के लाने वाला है, लाशों को गिनती रहेगी आखिर कब तक नक्सलवाद और आतंकवाद हमारे मुल्क की तरक्की को रोकता रहेगा आखिर कब तक हमारे नेता धैर्य से काम लेते रहेंगे जिस धरती माँ के इतने जवान पुत्र हों कौन उसकी तरक्की को रोक सकता है उठो उठ के तलवार बन जाओ दोस्तों मुल्क की खातिर तुम्हें चलना होगा रात को चीर के सूरज को निकलना होगा एक मकड़ी ने बुरा जाल बिछा रखा है अपने कदमों के तले उसको कुचलना होगा बस मेरे दोस्तों इन्हीं जुमलों के साथ मैं आप सब से खुदा हाफजी चाहूंगा कोई शिकवा ना शिकायत ना गिला करता हूं तब सलामत रहो ये रब से दुआ करता हूँ